बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए राहुल गांधी को लेकर मेरे पास आज एक बड़ी खबर है। यह खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी चौंका सकती है। अभी राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। 2019 में अमेठी से भी लड़े थे लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। सवाल है क्या 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या किनारा कर लेंगे? इसी सवाल से जुड़ी आज की बड़ी खबर हमारे सहयोगी हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने दी है। देखिए राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई कि अमेठी सीट वो छोड़ सकते हैं, यानी इस बार राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से, कि राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। इस वक्त बड़ी खबर और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर कि इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राहुल। जी आशीष। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और हमें जो टॉप सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं रोहित, उसके मुताबिक इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव ना लड़ें और हो सकता है कि सिर्फ वायनाड लड़ें या नॉर्थ इंडिया से कोई और सीट चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, ये बात की बात है। लेकिन आप देखें तो सिलसिलेवार तरीके से 2019 से लेकर अभी तक, जब से हार हुई उसके बाद से लेकर अभी तक, 3 या 4 दफ़े ही वो कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं। और साथ में लोग ये भी बताते हैं जो मुझे सोर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर के वहाँ कोई तैयारी भी नहीं। राहुल गांधी खुद मुझे टॉप सोर्सेज बताते हैं कि स्मृति ईरानी से इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस वजह से प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव न लड़े। बिल्कुल आशीष, तो ये बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।